तो भाई लोग कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले मैकरीना सिर्फ एंड्रॉइड और आईओएस के लिए अवेलेबल था, बट अब मैकरीना पीसी के लिए भी आ चुका है। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि आपने मैकरीना को अपने पीसी में कैसे खेलना है, लेकिन मैंने सारी वीडियोस में एक चीज ऐसी देखी जो किसी वीडियो में नहीं बताई। अबे साले, एक चीज सारी वीडियो में कॉमन थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो ये थी कि मैकरीना को खेलने के लिए आपके पीसी के या लैपटॉप के अंदर क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ये तो बताया ही नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, हमको सिखा रहा है। मींस आपके सिस्टम में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए इस गेम को प्रॉपर रन करने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया और आखिर में एक सॉल्यूशन भी निकाला कि इस गेम को रन करने के लिए आपके पीसी या लैपटॉप में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो बिना देरी के जल्दी से चलते हैं वीडियो के अंदर। सो इस गेम को रन करने के लिए आपके सिस्टम में एटलीस्ट 6GB रैम DDR3 होनी चाहिए, और ये DDR3 रैम अब हर सिस्टम के अंदर कॉमन है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन, जो कि नॉर्मली एक मिड रेंज पीसी या लैपटॉप में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आपके पास कम से कम विंडोज 8 होनी चाहिए, और जहां तक मैंने एनालाइज किया विंडोज 7 में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब ये वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है जो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए इस गेम को रन करने के लिए अपने पीसी या लैपटॉप पे। अब अगर आपके पास जरा एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी आपके सिस्टम के अंदर, जस्ट लाइक इंटेल का HD मीडिया एक्सेलरेटर जो कि ऑन इनबिल्ड आता है मदरबोर्ड के साथ, तो फिर तो भाई मक्खन की तरह चलेगी गेम। और अगर आपके पास SSD है तो ओ माय गॉड, फिर तो भाई क्या ही कहने, फिर तो भाई 60 FPS तो आप यूं ही निकाल लोगे ऐसे ही। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और इसके साथ साथ आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास SSD है लगी हुई आपके सिस्टम के अंदर। अब आप कहोगे भाई तूने इतनी ज्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कैसे बता दी, ये गेम है, ये कोई PUBG थोड़ी है जो हमने पीसी पे रन करनी है। एक्चुअली यार ये गेम एक लॉन्चर के ऊपर प्ले होती है जिसका नाम प्लेरियम प्ले। अभी ये जरा बीटा स्टेट्स में है तो उसके ऊपर आप सिर्फ मैकरीना खेल सकते हो, लेकिन जब ये थोड़ी प्रोग्रेस होगी, थोड़ी अपडेट होगी, इस पे आप प्लेरियम की सारी गेम्स खेल पाओगे, लेकिन अभी सिर्फ मैकरीना अवेलेबल है इस पे। तो जरा लॉन्चर आपको अपने सिस्टम पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए जरा ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इसलिए मैंने इतनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताई है मिनिमम। और यार अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है तो मेरी मानो तो आप विंडोज 8 या 8.1 पे प्ले करना, क्योंकि विंडो 10 जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज लेती है, तो उसमें थोड़ा बहुत लैग वगैरह हो सकता है अगर आपके पास बहुत ही लिमिटेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। और अगर आपके पास फिर आप विंडो 10 पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।